जिला बीजापुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला सुकमा और सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, ये सभी का एक संयुक्त रूप से जो है नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था गंगालू थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िया के जंगलों में। कल 10 तारीख को सुबह लगभग 5 बजे से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुआ और लगभग शाम को 6 बजे तक चला और इस दरमियान कई बार नक्सलियों के साथ जो है पुलिस का मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ में टोटल 12 जो है नक्सली मारे गए हैं और उसके अतिरिक्त जो है कई नक्सली जो है सर्चिंग के दरमियान जो है हिरासत में जो है लिए गए हैं, जिनसे अभी पूछताछ जो है जारी है। उसके अतिरिक्त जो है कई हथियार जो है भी उनसे जो है सर्चिंग के दरमियान नक्सलियों से बरामद किए गए हैं। जो नक्सली हिरासत में लिए गए हैं उसमें से जो है 3 जो है घायल अवस्था में हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है तत्काल जिला अस्पताल में रात को भर्ती कराया गया, अभी जो है वो खतरे से बाहर हैं। और साथ में एक ग्रामीण भी जो है उसमें क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है, उसका भी अभी इलाज चल रहा है अस्पताल में। बहुत सारे जो है हथियार आप लोग सामने जो है वहां पर डिस्प्ले कर दिया गया है, जो है आप लोगों ने देख लिया है जो है। और ये अभियान लगातार जो है लगभग 12 घंटे चला है जो है, और उसमें जो है ज्वाइंट रूप से जो है सभी पार्टियों ने अपना जो है योगदान दिया है।